का भव्य आयोजन किया गया। वहीं मोती झील स्थित मैदान में आयोजित 3 दिवसीय दीपोत्सव में पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दीपोत्सव की भव्यता देख उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आयोजन की खूब सराहना की। उन्होंने अन्य जिलों में भी ऐसे कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हम लोग दीपोत्सव 2021 मनाया जा रहा है कानपुर नगर निगम द्वारा। इसमें हम लोगों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनका सेल्स हो और ब्रांडिंग हो। उसके अतिरिक्त हम लोग ODOP को भी बढ़ावा देने के लिए स्टॉल्स लगाए हैं और अन्य जो हमारे स्टॉल्स हैं लोकल कानपुर के उनको दीपावली एक मेले का हम लोग एक वातावरण यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें फूड जोन भी है, प्ले जोन भी है। और हम लोग कानपुर नगर निगम के सभी सम्मानित नागरिक से अनुरोध करते हैं कि वो अपने परिवार के साथ यहाँ पे आए और मेले में पार्टिसिपेट करें। सर, इसका कोई पास आ सकता है? नहीं, सब लोग कोई पास नहीं है, सभी के लिए मुफ्त है। शनिवार को